और सबसे पहले मुझे अपने ब्रांड के हवाले से बताएं और इसके पीछे आपका जो कह रहे ना शौक कैसे हुआ आपको इस सेंटेड कैंडल्स की तरफ आने के हवाले से। मैंने अपनी कैंडल्स का काम 2 साल पहले ऑलमोस्ट शुरू किया था और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ये बहुत अच्छा जा रहा है। यूजुअली जब मैं ऑनलाइन या स्टोर्स में देखती थी कैंडल्स तो वो काफ़ी यू नो प्लेन सी होती हैं, यूजुअली उनका टिपिकल ग्लास जार होता है और यू नो इतनी आई कैचिंग नहीं होती। तो आई थॉट के और मैं एक आर्ट स्टूडेंट भी हूँ तो आई वाज लाइक अगर मैं इसमें आर्ट इनकॉर्पोरेट करूँगी तो वो एक थोड़ी डिफरेंट सी चीज़ बनेगी। तो फिर मैंने जो जार्स हैं ये भी खुद से बनाने शुरू किए हैं जो कि एक नई चीज़ थी, यहाँ पर अभी मैंने किसी को भी नहीं देखा ये करते हुए। और फिर हाँ, और मेरी इंस्पिरेशन जो थी वो मैंने नेचर से ली ज़्यादातर, और या और हाँ जो सेंट्स हैं वो डेफिनेटली आपके ऊपर एक कामिंग इफेक्ट देती हैं और आपको यू नो एक कोजी सा इन्वायरमेंट भी देती हैं। डेफिनेटली कामिंग इफेक्ट तो होता है। अच्छा, किस तरह का सेंट आप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं अपने कैंडल्स में? और ये बहुत प्यारी भी लग रही हैं जो हम देख भी रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को भी दिखाएं। सो मेरी यूजुअली सीजनल होती हैं, अगर जिस तरह अगर समर का टाइम है तो आई वुड यूज़ ऑल द फ्लोरल सेंट्स, और अगर विंटर्स में है तो यू नो जो फॉल की एक पूरी इन्वायरमेंट सा होता है विद द पम्पकिन स्पाइस और सिनेमन और इस तरह की चीज़ें। सो आप अगर देखें तो ये जो जार्स हैं ये आई मेक देम माई सेल्फ फ्रॉम प्लास्टर, तो इनको ऑलमोस्ट 1 से 2 दिन में ये एयर ड्राई होते हैं और उसके बाद एयर ड्राई होने के बाद मैं इनको सील करती हूँ और फिर उसमें वैक्स डालती हूँ। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये जो आपने कहा आप जार्स खुद बनाती हैं, ज़ाहिर है कैंडल जब जलती है तो हीट से ख़राब तो नहीं होते, और ये जो फ्लावर्स वाले हैं बड़ा प्यारा लग रहा है कैंडल का जो बुके आपने बनाया है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसमें जो मैंने सीरन लगाया हुआ है वो भी हीट प्रोटेक्टेंट है तो इसलिए बिल्कुल भी डैमेज नहीं होता। तो ये जो बुक है ना ये मेरा बिल्कुल न्यू आइडिया है, अभी तक ये मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले ही फॉर सेल डाला है, तो इस पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो और ये है कि जो सेंट्स हैं वो इसमें वो नॉर्मल जो असेंशियल ऑयल्स होते हैं वही वाली सेंट्स हैं, फ्लावर्स का यूज़ मैं नहीं करता। अच्छा मीरा, मुझे ये बताएं जब आपने ये स्टार्ट किया था और सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना शुरू किया, अपना पेज बनाया, तो आपने इसको फॉर सेल पर्पस किया था या सिर्फ शौक था? यू नो वो ज़्यादा हो जाए ना तो थोड़ा ओवरवेलमिंग भी हो जाता है, तो वो फिर इसलिए मैंने ना उसको अपने पोर्च में शिफ्ट किया ताकि मुझे यू नो खुली हवा में ज़रा सांस भी आता रहे। तो मैंने शुरू इस नियत से किया था कि मैं सेल करूँगी, और मुझे एक्चुअली बिल्कुल शुरू के वीक में एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और वो अभी तक कॉन्टिन्यू है, तो इट्स वेरी गुड। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच अमीरा आने के लिए भी एंड बेस्ट ऑफ लक। लेकिन बहुत सारे लोग इस तक आपको देख भी रहे होंगे जो अपना बिजनेस स्टार्ट भी करना चाहते हैं, आपके बिजनेस भी सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या कहेंगी उन्हें? मैं यही कहूँगी कि बस यूजुअली ये होता है कि जो भी मेरा काम देखता है ना उन्हें काफ़ी डिफरेंट सा लगता है, सो दे डू यू नो दे डू शो इंटरेस्ट। तो बस आप लोग भी देखें एंड इफ़ यू लाइक समथिंग वी कैन इवन डिस्कस द रेट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग।